स्टालिनवादी भाकपा माले लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बाकायदा बयान जारी कर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आह्वान किया है कि वे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस को संविधान बचाओ दिवस के रूप में जोर शोर से मनाएं। यह आह्वान स्टालिनवादियों की उस पतित और घृणित राजनीति को पूरी तरह नंगा कर देता है जिसके जरिए उन्होंने पिछले 7 दशकों में अपने अनुयायी युवाओं और मजदूरों को भारत के पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले बूर्जुआ गणतंत्र, उसके संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के पीछे मजबूती से बांध कर रखा है। भारतीय गणतंत्र उस प्रतिक्रांति के चरम पर गठित हुआ था जो चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या और भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी पर लटकाने से लेकर 1.5 दशक से भी अधिक जारी रहा और अंत में ब्रिटिश और भारतीय पूंजीपतियों के बीच प्रतिक्रियावादी समझौते के रूप में सामने आया। इस समझौते के चलते क्रांतिकारी संघर्ष से भयभीत ब्रिटिश और भारतीय पूंजीपतियों ने सुलह कर ली। क्रांति के दमन में भारतीय पूंजीपतियों और उनकी पार्टियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों का खुलकर सहयोग किया। भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजन और सांप्रदायिक विद्वेष की भट्टी में झोंककर उन्होंने क्रांति पर निर्णायक प्रहार किया और इससे मची अफरा तफरी के बीच शर्मनाक समझौता कर लिया। गद्दारों की इस साजिश के चलते 20 लाख से ज़्यादा लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए और उससे भी ज़्यादा अंग भंग, बलात्कार, आगजनी, लूट और भुखमरी के शिकार हुए। दुनिया के इतिहास में इस अद्वितीय बर्बरता, हिंसा और राजनीतिक षड्यंत्र की बुनियाद पर जिसका उद्देश्य क्रांति को किनारे लगाना और सर्वहारा को सत्ता लेने से रोकना था, भारतीय पूंजीपतियों ने अपने गणतंत्र की स्थापना की, उसकी बुनियाद रखी। स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो स्टालिन के निर्देश पर 1942 से ही ब्रिटिश सत्ता की गोद में जा बैठी थी, इस साजिश की सफलता के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार थी और मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। स्टालिनवादियों ने सांप्रदायिक विभाजन का खुलकर समर्थन किया और 1947 में प्रतिक्रांति के इस चरम को स्वतंत्रता कहकर प्रचारित किया। 1947 के बाद भी वे भारतीय पूंजीपतियों के किसी न किसी शिविर से चिपके रहे। किसी न किसी दक्षिणपंथी बूर्जुआ पार्टी या मोर्चे की पूंछ पकड़े रहे। बूर्जुआजी को सत्ता लेने में सीधी मदद देने के बाद भी पिछले 7 दशकों में उसे कायम रखने और बार बार स्थिर और संतुलित करने में स्टालिनवादियों ने निर्णायक भूमिका अदा की है। भाकपा माले लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के बयान को स्टालिनवादियों की इस कुटिल और कलुषित भूमिका के परिप्रेक्ष्य में ही देखा समझा जा सकता है। स्टालिनवादी सर्वहारा क्रांति के शत्रु हैं और उनकी भूमिका युवाओं मजदूरों को भ्रमित करके पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व वाली बूर्जुआ संवैधानिक व्यवस्था और बूर्जुआ गणतंत्र के पीछे बांधे रखना है। पूंजीपतियों का यह गणतंत्र मेहनतकश जनगण के कंधों पर जबरन लादा गया जुआ है जिसके बोझ तले करोड़ों करोड़ मजदूर, मेहनतकश, दलित, गरीब इन 70 वर्षों में बुरी तरह पिसते रहे हैं। स्टालिनवादी भाकपा माले लिबरेशन के झूठे नेता जिस संविधान को बचाने का आह्वान कर रहे हैं, वह गणतंत्र के पर्दे के पीछे छिपी बूर्जुआ तानाशाही के सिवा कुछ भी नहीं है जिसने पिछले 7 दशक में इस देश के मजदूरों, मेहनतकशों को कुछ भी नहीं दिया है। स्टालिनवादी वाम शिविर के भीतर पूंजीवाद के घुसपैठिए ये ट्रोजन हॉर्स हैं। क्रांति मना युवाओं और मजदूरों को बूर्जुआ दक्षिणपंथ के हमराही पूंजीवाद के इन घृणित दलालों की तरफ
पीठ फेरते हुए क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसकी धुरी वर्कर्स सोशलिस्ट मूवमेंट और उसकी पार्टी वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी है। क्रांतिकारी युवाओं और मजदूरों का कार्यभार बूर्जुआ गणतंत्रों की सुरक्षा नहीं, बल्कि उनका तख्ता उलटते हुए क्रांतिकारी जनतंत्रों की, सर्वहारा जनतंत्रों की स्थापना करना है।